जगदलपुर के मैत्री संघ संस्था का शपथ पत्र समारोह बड़े ही भव्यता के साथ संपन्न हुआ। अध्यक्ष के पद पर दीपक घोष एवं महासचिव के पद पर सुनील साहा ने 30वें अध्यक्ष एवं 38वें कार्यकारिणी के रूप में शपथ ली। इस तरह अध्यक्ष एवं महासचिव सहित 11 लोगों ने शपथ लेकर अपना कार्य आरम्भ किया। देखिए खास रिपोर्ट। जगदलपुर शहर की बहुप्रतिष्ठित सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था मैत्री संघ में विगत दिनों त्रिवर्षीय चुनाव संपन्न करवाया गया, जिसमें 11 पदों के लिए 2 पैनलों के माध्यम से 22 लोगों ने चुनाव में भाग लिया, जिसमें पुरुषों के साथ 5 महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। अधिवक्ता संतोष मिश्रा के नेतृत्व में चुनाव की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए चुनाव संपन्न करवाया गया। मैत्री संघ संस्था के 11 पदों पर विजयी हुई नई कार्यकारिणी सदस्यों का संस्था में सार्वजनिक रूप से विधिवत शपथ ग्रहण भी करवाया गया। आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता एवं पार्षद संजय पांडे उपस्थित हुए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता नगरपालिक निगम के PWD विभाग के सभापति यशवर्धन राव के द्वारा किया गया। सर्वप्रथम अतिथियों के आगमन पर संस्था की महिला पूजा घोष और दीपा चौधरी के द्वारा तिलक लगाकर उनकी आरती कर उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद राष्ट्रीय गीत के साथ कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ किया गया। मंच पर आसीन अतिथियों को कनिका सरकार एवं सुमीपाल के द्वारा बैच लगाया गया, जिसके पश्चात उपस्थित अतिथियों के साथ संस्था के वरिष्ठ सदस्य YN रॉय, सुबीर नंदी, मलय कुमार विश्वास एवं निहार रंजन कर के द्वारा सरस्वती माँ के छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। दीप प्रज्वलन के बाद मैत्री संघ विद्यानिकेतन की शिक्षिकाओं ने मनमोहक स्वागत गीत प्रस्तुत की, जिसे मंचस्थ अतिथियों के साथ साथ मौजूद लोगों ने खूब सराहा। कार्यक्रम में अतिथियों का स्वागत संस्था के सदस्य दृशान चक्रवर्ती, जगन्नाथ साहा, सुबीर घोष, मृणाल मल्लिक सहित अनुपमा साहा एवं सुशांत भद्रा के द्वारा पुष्पगुच्छ देकर किया गया, जिसके बाद बारी आई नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण की। मुख्य अतिथि संजय पांडे के द्वारा नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपक कुमार घोष, महासचिव सुनील साहा, उपाध्यक्ष सुचित दत्ता एवं संयुक्त सचिव द्वय देवव्रत बराल एवं संजीव कुमार शील सहित कोषाध्यक्ष देवाशीष चौधरी को शपथ दिलवाया गया। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे यशवर्धन राव के द्वारा नवनिर्वाचित सांस्कृतिक सचिव विश्वजीत भट्टाचार्य, क्रीड़ा सचिव रूपक कुमार मुखर्जी, पुस्तकालय सचिव शीला चक्रवर्ती एवं कार्यकारिणी सदस्य द्वय सरिता धर एवं प्रतिमा राय चौधरी को शपथ दिलवाया गया। मैत्री संघ के संस्था के 30वें अध्यक्ष एवं 38वें महासचिव सहित नए कार्यकारिणी ने संस्था की सेवा का शपथ लिया। पूर्व निरंतर 5 वर्षों तक सह सचिव के पद पर रहते हुए संस्था के लिए निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दे चुके हैं श्री सुनील साहा जी। मैं सुनील साहा मैत्री संघ जगदलपुर के महासचिव पद पर निर्वाचित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित मैत्री संघ के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा तथा मैं अपने कर्तव्यों का निष्पक्ष रूप से निर्वहन करूंगा। इतना शानदार शपथ ग्रहण समारोह संपन्न हुआ है। मैत्री संघ में जब कोई कार्यक्रम होता है तो मैं यशवर्धन भैया को बोल रहा बहुत गरिमामय ढंग से बहुत अनुशासित होकर और बड़ा पॉइंट टू पॉइंट मिनट टू मिनट कार्यक्रम वहां पे होता है। पत्र मैत्री संघ की तरफ से उनको मिला था, जिसमें मैत्री संघ की तरफ से उनसे कुर्सियों की मांग की गई थी, 350 कुर्सियां, सामग्री की मांग की गई थी, साउंड सेट की मांग की गई थी। उन्होंने फोन पे बताया कि आप वहां पे जब रहेंगे तो ये तीनों चीज जो मैत्री संघ के पत्र से मांगा गया है वो स्वीकृत करती हैं और बहुत जल्दी वो मैत्री संघ संस्थान को बताएंगे। मैत्री संघ में किसी भी प्रकार का कोई कार्यक्रम होता है मेरी जिम्मेदारी बनती है और मैं मैत्री संघ के लिए करता भी आया हूँ और आगे भी प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब जब मेरी भूमिका किसी प्रकार की भूमिका की जब की जरूरत होगी मैं सबसे पहले इस संस्थान के लिए खड़ा रहूँगा। समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इस भवन को आगे बढ़ाने के लिए, इस भवन के लिए अतिरिक्त जगह दिलाने के लिए, उस अतिरिक्त जगह में कोई भवन बनाने के लिए जहाँ कहीं पर भी हम सबकी जरूरत होगी हम सब लोग सारे लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग आपके साथ मिलकर खड़े रहेंगे। बंगाली समाज सांस्कृतिक रूप से और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अद्भुत और अविस्मरणीय जगह रखता है। गायन हो, नृत्य हो, फुटबॉल हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें बंगाली समाज का कोई योगदान नहीं। आपको बता दें कि मैत्री संघ संस्था की स्थापना वर्ष 1960 में किया गया था
तब से यह संस्था सामाजिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में निरंतर कार्यरत है। मैत्री संघ संस्था की संपूर्ण जानकारी के साथ नवनिर्वाचित अध्यक्ष दीपक कुमार घोष ने स्वागत भाषण दिया, जिसमें मैत्री संघ संस्था के समस्त सदस्यों सहित मंचस्थ अतिथियों का स्वागत करते हुए अपने आगामी त्रिवर्षीय कार्य योजना के संबंध में उन्होंने संक्षिप्त जानकारी दी। मैं 20वां अध्यक्ष मैत्री संघ, यह हमारा दूसरा कार्यकाल है। ईश्वर से प्रार्थना है कि हमें इतनी शक्ति दे माँ कि हम हमारे समाज की निष्पक्ष रूप से सेवा कर सकें। अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, हमने चुनाव के पूर्व भी बहुत सारी घोषणाएं की थी, हमारी आगामी योजनाओं के बारे में भी आपसे कहा था। आगामी जो योजना है सबसे महत्वपूर्ण योजना है हमारी कि हम जो है एक हैप्पीनेस होम बनाए। कार्यक्रम के अंत में मैत्री संघ संस्था के महासचिव सुनील सहाय एवं संस्था अध्यक्ष दीपक कुमार घोष के द्वारा मंचस्थ अतिथि संजय पांडे एवं यशवर्धन राव को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मंच संचालन रानू शील के द्वारा बड़े ही सुंदर तरीके से करते हुए लोगों को कार्यक्रम के अंत तक बांधे रखा। आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में संस्था के सदस्यों सहित शहर के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में मौजूद रहे। रफ्तार मीडिया छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के लिए जगदलपुर से सुनील साह की खास रिपोर्ट।